पूर्व जिला परिषद पूर्व प्रधान प्रताप शुक्ला ने बताया कि सदवा पंचायत में पिछले काफी दिनों से बिजली खराब रहने की समस्या चली आ रही है। सदवा में 33 KV सब स्टेशन ये कहकर बनाया गया था कि भविष्य में इस क्षेत्र में किसी को भी बिजली की समस्याओं से जूझना ना पड़ेगा और अगर कोई समस्या होगी तो उसका समाधान जल्दी हो सकेगा, पर जब से ये सब स्टेशन बना है तब से समस्या और ज़्यादा बढ़ती दिख रही है। बिजली की आंख मिचौनी का एक मुख्य कारण यहाँ पर स्टाफ की कमी भी है, क्योंकि जब ये सब स्टेशन बना था तब यहाँ 10 से 15 लोगों का स्टाफ हुआ करता था, जो अब मात्र 4 से 5 ही रह गया है। ना ही यहाँ पर कोई स्थायी जेई है। अगर स्थायी रूप से जेई को फोन करते हैं तो वह कई बार फोन नहीं उठाते हैं, अगर उठाते भी हैं तो ये कहा जाता है कि बस काम हो जाएगा। जरूरत ये पड़ गई है कि काफी दिन से हमारी यहाँ सदवा पंचायत के अंदर बिजली की समस्या है और ये बिजली की समस्या इतने दिन से इतनी चल रही है कि रात को भी कल 4 बजे हमारी यहाँ से लाइट की है और सुबह 9 बजे तक जो हमारी लाइट नहीं आई है, मतलब 16-17 घंटे जो है लाइट बंद रही है। और इस टाइम जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे मरीज हैं जो इस तरह के हैं, हमें इतनी बड़ी समस्या हो रही है कि हद से ज़्यादा। हम सरकार से और मान्य जो स्थानीय हमारे विधायक जी हैं श्री ऋषिकेश खाणिया जी, उनसे भी और सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम अनुरोध करते हैं कि सदवा के अंदर जो 33 KV सब स्टेशन की जो हमें फैसिलिटी दी गई है जिसके तहत कि आप यहाँ पर 24 घंटे बिजली रहेगी, परंतु उसका उल्टा यहाँ पे असर हो रहा है। जब का 33 KV सब स्टेशन बना हुआ है यहाँ की बिजली की आँख में चोली ये चल रही है। उसका मेन कारण है यहाँ पर ना तो रेगुलर यहाँ पर कोई जेई है और ना ही यहाँ पर स्टाफ है। स्टाफ है वो टोटल यहाँ पे 2 से 3 बंदे हैं और एरिया हमारा जो है वो लगभग 5-6 किलोमीटर एरिया में जो है फैला हुआ है। यहाँ पर अगर हम फोन करते हैं जिस एडिशनल जेई को जो चार्ज दिया गया वो फोन नहीं उठाता है, और अगर फोन उठाए भी तो वो बात करता है कि अभी मैं बिजी हूँ, मेरे से बाद में बात करना। यहाँ पे अगर 33 KV स्टेशन में आते हैं कंप्लेन करने के लिए आते हैं, यहाँ पे कोई नहीं मिलता हमें। और जो यहाँ पर 2 जो एम्प्लाइज हैं जो छोड़े हुए हैं उनको अगर बात करें वो भी सच्चे हैं, वो कभी 4 किलोमीटर कहीं किस साइड में होते हैं कहीं किस साइड में होते हैं। हमारी ये मांग है, हमारी ये डिमांड है कि यहाँ पर एक तो जो स्थानीय जो स्टाफ है उसको बुलाया जाए, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में दे दो ताकि ये जो सरकार की जो फैसिलिटी है हमें, क्योंकि सरकार को भी इसमें लॉस है। अगर रात की 4 बजे की लाइट गई हुई है आज सुबह 9 बजे तक लाइट नहीं आ रही है तो इसमें सरकार को भी रेवेन्यू का लॉस है, लोगों को तो लॉस है ही है। इस कारण ये 33 KV स्टेशन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी क्या फैसिलिटी क्या जरूरत है अगर हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही। हम पुनः विधायक जी से यह अनुरोध करेंगे और उनसे मिलकर जो हमारे सारे गांववासी हैं हम मिलकर उनसे पुनः अनुरोध करेंगे कि सर यहाँ पे सदवा पे, क्योंकि सदवा का जो सेंटर प्लेस है इस 33 KV स्टेशन से लगभग 5-6 पंचायतें जो हैं वो लिंक हैं, जिसमें सुलैली पंचायत है, ठेड़ पंचायत है, डन्नी पंचायत है, दोड़ी पंचायत है, हटली पंचायत है और सदवा पंचायत है और खजन पंचायत है और साथ में ये ओंध, ये इसका सभी का ये हमारा सेंटर पॉइंट है। और मात्र यहाँ पे स्टाफ जो है वह 2 से 3 बंदे यहाँ पे स्टाफ के जो कि इसका जो रख रखाव जो अच्छी तरह से नहीं हो रहा उनसे, और वो भी सच्चे हैं। और जो जेई है और एक इतना बड़ा 33 KV सब स्टेशन होने की वजह से यहाँ पे लगातार कोई जेई नहीं है, अगर वो भी हो तो चलो समस्या हल हो सकती है। इससे हमारी पुनः पूरे ग्रामवासियों से सरकार से माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि इसके ऊपर ध्यान दें और जो स्टाफ है वो हमें कम से कम 5-6 या 7, क्योंकि पिछले से पिछले साल जब ये स्टेशन खुला था तब ये 15 लोग यहाँ पर काम करते थे और वो इतनी अच्छी फैसिलिटी थी कि हमें 1 मिनट यहाँ की लाइट नहीं जाती थी। आज उस 15 में से टोटल यहाँ पे 2 और 3 जो स्टाफ रह गया है और इसकी वजह से ये हमारी ज़्यादा समस्या आ रही है। पुनः हम अनुरोध करेंगे माननीय विधायक जी से और सरकार से भी कि इसके ऊपर ध्यान दे, तुरंत ध्यान दे, नहीं अगर सरकार नहीं करती है या नहीं ध्यान दिया जाता है तो फिर हम उसके बाद अगला जो हमारा स्थानीय लोगों का जो स्टेप होगा वो हम उठाएंगे। विद्युत विभाग के SDO शंकर दयाल ने कहा कि बिजली की समस्या को लेकर हमारे पास शिकायत आई थी, हमने फील्ड स्टाफ को भेज दिया मगर देर रात फॉल्ट नहीं मिलने पर अगले दिन सुबह फॉल्ट ढूंढकर बिजली की सप्लाई को ठीक कर दिया था। उन्होंने कहा कि फिर अगर कोई कमी रह गई है तो हम उसे जल्द ठीक करवा देंगे ताकि लोगों को कोई परेशानी ना झेलना पड़े।
जिस प्रकार हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लेंट आई थी, उसी दौरान हमने अपने लाइन स्टाफ को फील्ड में भेज दिया था फॉल्ट देखने के लिए, लेकिन उन्होंने लेट नाइट तक फॉल्ट को ट्रेस आउट किया, लेकिन वो ट्रेस आउट ना होने के कारण वो फॉल्ट स्टैंड बाय रहा। अर्ली मॉर्निंग हमारा स्टाफ फिर से फॉल्ट देखने के लिए गया और उन्होंने फॉल्ट ढूंढा और सॉल्व आउट किया और पब्लिक को बिजली की सप्लाई से अवगत करवाया। मैं पब्लिक से ये दरख्वास्त करता हूँ, अगर हमारी इन केस और इन फ्यूचर कभी ऐसी दिक्कत द्वारा आती है तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए, उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए।